दोस्तों स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो है हमारी इसरो से। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसका एक उसके ऊपर एक आर्टिकल है कि इसरो पुष्पक स्पेस शटल, तो भारत के भविष्य का अंतरिक्ष यान तैयार, नाम है पुष्पक। तो हाँ, चलते हैं इस वीडियो में आगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में जब VSCC का दौरा किया तो वहां पर इसरो के रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को भी देखा। इसका नाम पुष्पक रखा गया है। यह RLD-TD से करीब 1.6 गुना बड़ा है। RLD-TD की उड़ान 2016 और 2023 में लैंडिंग एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है। तो यह है भाई वो हमारा पुष्पक विमान जिसको हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी देख रहे हैं। तो बढ़ते हैं, चलिए इस वीडियो में आगे, देखते हैं क्या क्या बताया गया है। तो RLD-TD असल में एक खास तरह का स्पेस शटल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका बड़ा स्वरूप अभी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के दौरान देखा। यह विमान एक रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है जो भविष्य में अंतरिक्ष सैटेलाइट और कार्गो ले जाने का काम करेगा। इसका नाम पुष्पक रखा गया है। आइए जानते हैं कि इसके कितने और किस तरह के टेस्ट हो चुके हैं। 2 अप्रैल 2023 को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसरो, DRDO और IF ने मिलकर टेस्ट किया। RLD-TD की लैंडिंग कराई गई। चिनूक हेलीकॉप्टर से RLV को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से छोड़ा गया। यान ने सफल लैंडिंग भी की। RLV एक स्वदेशी स्पेस शटल है। कुछ साल में हमारे एस्ट्रोनॉट इसके बड़े वर्जन में कार्गो डालकर अंतरिक्ष तक जा सकेंगे या फिर इसके जरिए सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। यह सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़कर वापस आएगा ताकि फिर से उड़ान भर सके। जासूसी करवाइए, सैटेलाइट छुड़वाइए या फिर हमला, यह सब कुछ कर लेगा। इतना ही नहीं, इसके जरिए किसी भी देश के ऊपर जासूसी करवा सकते हैं या हमला भी, या अंतरिक्ष में ही दुश्मन की सैटेलाइट को बर्बाद कर सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी का फायदा अमेरिका, रूस और चीन भी उठाना चाहते हैं। यह एक ऑटोमेटेड रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल है। ऐसे विमानों से डायरेक्ट एनर्जी वेपन भी चला सकते हैं। दोस्तों ये थी हमारी आज की पुष्पक विमान को लेकर एक न्यूज जो कि हमारे इसरो से आई है। तो इस वीडियो को दबा के शेयर कर दीजिए और इस पर दबा के लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।